Good morning, dear morning stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your computer teacher Sweta Tiwari. So, student, take your computer book and open chapter 6 to revise. Chapter 6 for final examination and chapter 5 also, student. So, aaj aap log question and answers ko revise karenge. ठीक है, सारी क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करेंगे क्योंकि टू चैप्टर ही आप लोग के फाइनल एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय फोल्डर. इट मींस फोल्डर क्या होता है. ठीक है, उससे आपका क्या मतलब है. व्हाट इज फोल्डर. सो अ फोल्डर इज अ स्टोरेज स्पेस वेयर मैनी फाइल्स कैन बी प्लेस्ड. यानी कि फोल्डर वो स्टोरेज स्पेस होता है जहाँ पर फाइल जो है प्लेस्ड होती हो सकती हैं, यानी कि उनको सेव किया जा सकता है, उनको रखा जा सकता है. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू क्रिएट अ फाइल, गिव स्टेप्स. ओके, यानी कि कैसे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है. सो फर्स्टली ओपन वर्ड पैड. सबसे पहले आप वर्ड पैड ओपन करेंगे फाइल को, क्योंकि ये आपका वर्ड पैड से रिलेटेड ही है. ठीक है, ओपन वर्ड पैड. नंबर टू, टाइप एनी थिंग विच यू वॉन्ट. यानी कि फिर उसके वर्ड पैड ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें टाइप करेंगे जो भी आपको लिखना है. थर्ड, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन. ओके, होम टैब पर क्लिक करेंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे. गिव अ स्पेसिफिक नेम टू द फाइल, सेलेक्ट द डिस्क एंड क्लिक ऑन सेव. ओके, उसके बाद आप फाइल नेम देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ चैप्टर 6, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल एक्सप्लोरर. ओके, फाइल एक्सप्लोरर का यूज क्या है. हाउ डू यू रिनेम अ फाइल और फोल्डर. ओके, यानी कि हम फाइल और फोल्डर को रिनेम कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं. नेक्स्ट, राइट एनी वन वे टू मूव अ फाइल और फोल्डर. फाइल और फोल्डर को मूव कराने का जो है वो एक तरीका आपको राइट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट आंसर ऑफ इट मींस फर्स्ट नॉट फर्स्ट आंसर सी आंसर थर्ड आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, आंसर इज इट इज यूज टू मैनेज द ड्राइव्स फोल्डर एंड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर. यानी कि ये जो है ड्राइव्स फोल्डर और फाइल्स को कंप्यूटर क्या है, मैनेज करता है. नंबर फोर देखिए, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करता है. राइट क्लिक द सिलेक्टेड फोर और फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर जो सिलेक्ट जो भी सिलेक्टेड आपका फाइल फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करेंगे. और इसके बाद देखिए, सिलेक्ट द रिनेम ऑप्शन इन द मेनू. मीनू में जाकर के ऑप्शन जो है उस पर रिनेम पर क्लिक कर देंगे, रिनेम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जो भी आपको रिनेम करना है उसका नेम टाइप कर देंगे. तो ये है आंसर नंबर फोर. आंसर नंबर फोर क्या था, हाउ डू यू रिनेम अ फाइल फोल्डर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम फाइल और फोल्डर को मूव कैसे करा सकते हैं, वो आपको वन वे लिखना है, एक तरीका लिखना है. सो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर पर सेलेक्ट करेंगे जिसको मूव कराना है. क्लिक द राइट बटन माउस एंड सेलेक्ट कट ऑप्शन. राइट क्लिक करेंगे और उस कट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे. उसके बाद आप लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपको मूव कराना है, जहां पर ले जाना है. ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, फोल्डर, ओपन द फोल्डर वाई डबल क्लिकिंग ऑन इट. और जहां पर आप मूव करा देंगे उसके बाद जो है फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे जहां पर आपको उसको भेजना है. ठीक है, क्लिक द राइट माउस बटन एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन. उसके बाद वहां जाकर के आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपकी जो फाइल और फोल्डर जो भी है जिसको भी मूव कराना है वो मूव हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि चैप्टर 5, चैप्टर 5 के क्वेश्चंस हैं ये. ठीक है, डिफाइन पेंट, पेंट क्या है, हाउ मेनी types of selection are there, what is a polygon tool, how many shapes are present in shapes group, write the difference between cut and copy command. ठीक है, ये सारी questions आपको अच्छे से prepare करना है. और इसके लिए आप करेंगे क्या, ये जो जितने भी questions मैं दे रही हूँ, क्योंकि आपका week में जो है one day ही computer का period होता है. okay, तो मैं इसको आगे के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ,
ठीक है, तो आपको आज ही रिवीजन करना है। सो आप क्या करेंगे, आप ये जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ उनको आप अपनी कॉपी पर एज अ रिवीजन इसको लिखेंगे और उसको अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन पेंट। पेंट क्या है, पेंट किसको कहते हैं? सो आंसर नंबर वन, पेंट इज अ सिंपल पेंटिंग प्रोग्राम। सिंपल पेंटिंग प्रोग्राम है ये। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन आर देयर? सिलेक्शन कितने तरह के होते हैं? थ्री टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पॉलीगॉन टूल? पॉलीगॉन टूल क्या है, इसको आपको लिखना है। पॉलीगॉन टूल इज यूज टू ड्रॉ क्लोज्ड फिगर्स विद स्ट्रेट लाइन। ओके, पॉलीगॉन टूल जो है उसको यूज किया जाता है टू ड्रॉ, ड्रॉ करने के लिए क्लोज्ड फिगर्स विद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो है उसको ड्रॉ करने के लिए पॉलीगॉन टूल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी शेप्स आर प्रेजेंट इन शेप्स ग्रुप? शेप्स ग्रुप में कितने तरह के शेप जो है प्रेजेंट होते हैं? तो शेप्स ग्रुप कंटेन वेरियस शेप, बहुत तरह के शेप जो हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी कमांड। ओके, कट कमांड इज यूज टू रिमूव द सिलेक्शन फ्रॉम द इमेज एंड कॉपी कमांड इज यूज टू मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन इमेज और ड्राइंग। तो ये है दोनों का डिफरेंसेस कि कट और कॉपी दोनों में डिफरेंस क्या है। कट से हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी फाइल और किसी भी इमेज को रिमूव करने के लिए हम कट यूज़ करते हैं, और कॉपी का मीन्स होता है उसका हमें डुप्लीकेट तैयार करना है, उसकी कॉपी तैयार करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज हो गए हैं, आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपना 100% देना है। सो स्टूडेंट इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर योर सेल्फ। बाय बाय।